हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम एवरीवन। आज बहुत ही अलग ही दिन है। लाइक वी हैव लास्ट अराउंड 20 डेज हमारे पास बाकी बचे हैं। यू नो इस 20 डेज में हमें कुछ गेम खेलना है, हमें कुछ करके दिखाना है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये पांच चीजें आप कर लेंगे, अपने इस टाइम पीरियड में अपने अंदर उतार लेंगे, यू नो आपकी चांसेस सेलेक्शन की अनलिमिटेड बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि वो पांच चीजें क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस टाइम पीरियड। सो देखो, वी हैव जस्ट अराउंड 20 डेज के अराउंड आपका समय बाकी बचा है। वो शायद आपका 17 डेज भी हो सकता है, 21 भी डेज, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए टाइम कम है, बट इस टाइम को कौन कितने अच्छे से यूज कर लेता है, दैट इज अ स्किल। ठीक है, ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है। एक 12th का बच्चा होता है बोर्ड जो दे रहा होता है, एंड एक बच्चा होता है जो ड्रॉप लेता है। मे बी 12th का ये बच्चा निकाल लेगा, वही ड्रॉप का ही बच्चा नहीं निकाल पाएगा। उसका रीजन क्या है कि लाइक ये जो इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं उसमें आपने करा क्या है। मैं बताऊं कि मैं जो स्टूडेंट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मैं 12th का अटेम्प्ट था, मैंने यही मिस्टेक करी दैट इन द लास्ट वन मंथ ये 20 डेज 15 डेज जो भी टाइम बचा था मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, मैं ध्यान ही नहीं देता। मुझे लगता था मैं घर पर रहूंगा, आराम से पढ़ूंगा, और मुझे घर पर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहे थे, एंड एट द एंड आई डिडंट क्रैक दैट। सो मैंने तो गलती कर दी, बट दैट्स अ लर्निंग फॉर यू कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट दिस मोमेंट, जो मैं आज पांच पॉइंट बताने वाला हूं जो आपका चांसेस, जो आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर देंगे इफ यू फुलफिल दीज फाइव पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। ये भर भर के, इसको कूट कूट के आपके अंदर होना चाहिए। इफ दिस इज लैकिंग, आपने 2-3 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू नो सिलेक्शन होएंगे ही नहीं इफ यू डोंट हैव दिस कॉन्फिडेंस। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी 3 साल की पढ़ाई पे भारी पड़ जाएगा दिस कॉन्फिडेंस। बट इसने कॉन्फिडेंस इतनी स्ट्रांग चीज है जो आपको कुछ भी करने के लिए फेंक देगी। आप कुछ भी कर सकते हैं इफ यू हैव दिस कॉन्फिडेंस। आप खुद एग्जाम में आपको रिजल्ट अच्छे होंगे। आई हैव सीन दिस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लाइक मैं जब कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, मेरा ऑटोमेटिकली 10% स्कोर तो एटलीस्ट माइनस हो जाता था। मैं सिली मिस्टेक करूंगा, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, मुझे लगता है मैं शायद उतना पढ़ा हुआ नहीं हूं। बट ये ध्यान रखिए, ये जो क्लैट का एग्जाम है ये सिर्फ पढ़ने वालों का नहीं है, ये कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं है, कोई PCM का एग्जाम नहीं, IIT का एग्जाम नहीं है। द सब्जेक्ट्स आर काइंड ऑफ डिफरेंट। ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो आप नॉर्मल लाइफ में समझते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस इज द की एट दिस मोमेंट। जो कॉन्फिडेंस रखेगा, जो कॉन्फिडेंट रहेगा, उसकी चांस सिलेक्शन टू अदर पर्सन रिलेटिवली हाई रहेगी। सो इट्स हाईली रिकमेंड, कॉन्फिडेंट रहिए, बिलीव रखिए दैट यू कैन एट दिस मोमेंट क्रैक लैट। आपके अंदर बिलीफ है, बिलीफ इतनी बड़ी चीज है कि भगवान भी दिख जाते हैं। जस्ट कीप दिस इन माइंड, रामकृष्ण परमहंस को भगवान दिखे थे, उन्होंने विवेकानंद को काली माता के दर्शन कराए थे, यू नो ऑल दीज हिस्ट्री स्टोरीज। सो लाइक वो कैसे हुआ था, यू नो यू हैव टू बी बिलीव इन योर गुरु, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने पर भी बिलीफ होना चाहिए। द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस मोमेंट इज कि बिलीफ होगा आपके पास, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास मोटिवेशन होगा, जो शायद वीडियोस ले रहे होंगे, चाहे इस या और वीडियोस को आप देखेंगे। बट क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? ना गुरु, इससे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। बट इससे तुम्हें मेहनत करने के लिए पुश तो मिलता रहेगा, इससे तुम्हें हमेशा मन करेगा कि नाउ व्हाट आई हैव टू डू। तो आप सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, आप देखेंगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। बोला जाता है कि जो भी आज तक हिमालयास पे, एवरेस्ट के ट्रैक पे गया है, यू नो देवर वंस अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, जो वहां मर गए, जिनकी वहां डेथ हो गई है, जिनकी वहां लाशें पड़ी हुई हैं, देवर वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन। सो अंटिल यू आर स्किल्ड, तो ये मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं आने वाला। तो मोटिवेशन आपको गाड़ी में वो जो पहला जो क्लच होता है ना, पहला जो आपकी गाड़ी स्टार्ट करता है वो है। एट द एंड डिसिप्लिन फंक्शनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू एट दिस मोमेंट, सबसे पहले आपको मॉक एनालिसिस करनी होगी। अगर आपने मॉक एनालिसिस नहीं करी है एट दिस मोमेंट, तो मॉक एनालिसिस कर लीजिए। बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो इन चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, वो मॉक एनालिसिस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या करके रखे होंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि एक मॉक एनालिसिस करिए, एक मॉक दीजिए, मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस मतलब आपको देखना है, समझना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेक्शन है इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपके वोकैब में क्या स्कोर आ रहा है, कितने में से कितना स्कोर आ रहा है। लाइक
लाइक कॉम्प्रिहेंशन है क्या स्कोर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आई व्हेन यू वर सॉल्विंग दोज कॉम्प्रिहेंशन इन द एग्जाम टाइम. सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, लाइक कि तुम जब सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हें थीम समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी. पहले मुझे ऑन द टेबल प्रॉब्लम तो पता चले व्हाट इज द प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम से भागेंगे, हाइड करेंगे, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा. पहले आप जानो तो आपको डेंगू हुआ है. इफ यू नो आपको डेंगू हो गया तो डेंगू की दवा खाओगे. अगर आप बोलोगे मुझे डेंगू है ही नहीं, आप अपने डेंगू की जांच नहीं कराएंगे, सो हाउ विल यू नो कि आपकी डेंगू है और आप अकॉर्डिंगली दवा खाएंगे. वरना आपकी तो डेथ तक हो सकती है विद दिस डिजीज. तो यहाँ पर डेथ का रीजन क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्लैट के एग्जाम में इफ यू डोंट पे अटेंशन टू दिस. इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मॉक लिसिस करिए. जानी हर सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है. मैथ्स है तो मैथ्स में किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. क्या आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, क्या आप मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हैं, है ना. तो वो पहले फिगर आउट करिए, वो एक जगह लिखिए, है ना. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इसी के अंदर है कि मॉक एनालिसिस तो आप करेंगे. अब बहुत सारे बच्चों हैं जिनके पास मॉक नहीं होंगे, तो उनसे मैं बोलूँगा आप एक काम करिए, अपनी कोई बुक्स होंगी उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. कुछ ऑनलाइन आपको शायद फ्री मॉक मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे थोड़ा देख लीजिए, कुछ फ्री कंटेंट पढ़ा होगा, उनको एक्सेस करिए, उनको सॉल्व करिए और उनसे जानिए, उसके बाद आपको सॉल्व करिए और फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट करिए. सो व्हेन यू रिपीट द सेम प्रोसेस, जब आप सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आप जान जाएंगे वेर आर यू वीक एट. आपको पता चल गया अब हमारा काम चालू इसी के अंदर होता है कि हमें सबसे पहले उन टॉपिक्स पर वर्क करना है. तो हमारे दो सेक्शंस बनेंगे, टू सेक्शंस. पहला है जहां कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, दूसरा जहां प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और तीसरा एक प्रॉब्लम और होगा जिसको बोल सकते सिली मिस्टेक्स, वो मैं प्रैक्टिस के अंदर लिख लूंगा बिकॉज द लैक ऑफ प्रैक्टिस विल लीड्स यू टू सिली मिस्टेक्स. कम प्रैक्टिस करोगे तो यू विल डू मोर एंड मोर सिली मिस्टेक्स, ठीक है. और सिली मिस्टेक करोगे, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम मीन्स यू हैवंट स्टडी दैट कॉन्सेप्ट. तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, यू नो वॉट यू हैव टू डू, सबसे पहले अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए. यू हैव कोचिंग मटीरियल, बुक्स को ओपन करिए, रीड दैट, समझिए, पढ़िए. नहीं समझ आता है, वीडियो लेक्चर्स देखिए. लाइक बॉस मेरे कुछ वीडियोस होंगे, आप अनअकैडमी पे जाइए, आप यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं उनको देखिए, बट आप उनके लेक्चर्स को देखिए, उनके लेक्चर्स देखिए, समझिए और उस टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उस कॉन्सेप्ट की बैक टू प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना चालू करिए. एट द एंड क्लैट एग्जाम प्रैक्टिस से निकलेगा. 10,000 क्वेश्चन एक सिंगल चीज कर लेंगे यू विल बी स्किल्ड इन दैट क्वेश्चन, और फिर आप कोई नहीं पछाड़ सकता. वो क्वेश्चन आप गलत भी नहीं करेंगे, वो सिली मिस्टेक भी नहीं होगी. तो द प्रॉब्लम जो सिली मिस्टेक्स ही आ रही है, द प्रॉब्लम जो प्रैक्टिस की आ रही है कि आपको ये आता था, नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स द लैक ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. पहले कॉन्सेप्ट, जिनका कॉन्सेप्ट वीक है उनको कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू अल्टीमेटली उसको टर्न करना पड़ेगा टुवर्ड्स द प्रैक्टिस सेक्शन. तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड एट दिस मोमेंट. अब देखिए आपने थोड़ा सा समझ गए, आप पहले अपनी प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम समझने के बाद उसका सोल्यूशन ये होगा, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दो उसमें से एक सेक्शन में आपका आना ही है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है कि मॉक्स सॉल्व करने हैं एंड साथ में आपको पास्ट ईयर्स देखने हैं. अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए. मॉक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मॉक अगर आप सॉल्व करेंगे, जिसको आप टेस्ट सीरीज ही बोलते हैं, जो होगा वो आपको एक लेवल देगा. पर सबसे पहले स्टार्टिंग आप पास्ट ईयर से करिए. अगर आपने पास्ट ईयर नहीं करा है तो करिए, अगर आप पास्ट ईयर कर लिया है देन अगेन रिवाइज दीज. मैंने इसको लगभग 1 ईयर में मैंने सारे पास्ट ईयर को 15-20 टाइम रिवाइज करा था. बल्कि मैंने तो पास्ट ईयर 1990s के NLSIU जब अलग एग्जाम कर तब से मैं सॉल्व कर रहा था. जस्ट लाइक आप तो को तो रिसेंट सॉल्व करिए सबसे पहले, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है. जब पास्ट ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम्स आर नॉट दैट टफ, एग्जाम आप सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी मच डूएबल. डूएबल है क्योंकि आप मॉक सॉल्व करते हैं तो आपको मॉक से कभी कभी डर आ जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा मॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कोर आता है उससे अप ही स्कोर बन जाता है क्लैट में. तो ये मैं आपको पॉजिटिव थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्कोरिंग 80 स्कोर, तो समझ लीजिए 85 तो आपका कहीं नहीं गया क्लैट के एग्जाम में. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कौन से आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं, किस कोचिंग के मॉक सॉल्व कर रहे हैं, वो कितने डिफिकल्ट है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर्स रिवाइज करिए, आपको आइडिया लगेगा कि पास्ट ईयर्स कैसा होता है. सेम वैसे ही आपके क्लैट के पैटर्न क्वेश्चन आएंगे. सॉल्व दी सबसे पहले. सेकेंड स्टेप इज मॉक्स. देखिए मॉक आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए किसी कोचिंग की. नहीं ले रहे हैं इस पॉइंट पे तो फ्री टेस्ट सीरीज का जुगाड़ करिए. यू ऑल नो दैट कहाँ से करना है, अपने फ्रेंड से करना है, तो ये टेस्ट सीरीज का भी फ्री मॉक का जुगाड़ करिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग. एवरी 3 डेज पे एक मॉक दीजिए एंड फुल
लगभग वही 2 to 3 hours में आप इसका क्या करिए, एनालिसिस करिए, क्या प्रॉब्लम करा मैंने, क्या गलती करी, एंड इफ दिस प्रॉब्लम्स यू रिपीट दिस इन अनदर मॉक, और दूसरे मॉक में फिर से अगर ये प्रॉब्लम मिस्टेक करते हो, रिपीट करते हो, तो दैट्स अ रेड साइन, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, बिकॉज सिलेक्शन की चांसेस गिरती जा रही हैं आपकी। तो ये पहली चीज होनी चाहिए, एक बार मिस्टेक जान गए, दिस हैपेंस टू द नेक्स्ट टाइम, जो 3 दिन बाद आप मॉक देने वाले हो, 2 दिन पर देने वाले हो, उसमें फिर से वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कि ये गांठ बांध लीजिए, इफ दिस हैपेंस तो सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट ब्रूटल आपको होना पड़ेगा एट दिस सिचुएशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर एंड टफर, अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, वो अच्छे अच्छे टाइम लगा रहे हैं, एंड यू नो यू आर कॉम्पिटिटिंग विद द ड्रॉपर्स, फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, तो मतलब समझ ना, यू हैव टू शो योर बेस्ट। जो कि फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द हिंदू। ठीक है, ये इसको आप पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टास्क रखिए। द हिंदू मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने मतलब है रीडिंग, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग रोज करिए, ज़्यादा ज़्यादा करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों पे भी गवर्न कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं, पर इसके ऊपर से एक लेयर चली रहती है, दैट इज ऑफ द इंग्लिश की लेयर, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स की लेयर इन सब पे चलती रहेगी। तो इसलिए क्या करना होगा आपको, द हिंदू एटसेट्रा जो भी है, रीडिंग को चालू करिए, एटलीस्ट द हिंदू 1 घंटे में कॉम्प्रिहेंड और समझ के करिए। जब ये करना चालू कर देंगे यू नो, तो आपका बढ़िया चीज़ें होने लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा, वरना इफ़ यू विल सी द पेपर ऑन द लास्ट डेट, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट इज द पेपर सेइंग। तो देखिए अभी प्रॉब्लम्स होंगी, बट यू नो यू हैव टू फेस दैट। द हिंदू रीडिंग करिए, एटलीस्ट गिव 1 to 2 hours अ डे रीडिंग के लिए एट दिस मोमेंट, जो कि लास्ट 20 days आपके बाकी हैं लगभग के। सो जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोलना चाहता हूँ, दैट इज तन मन धन, एवरीथिंग शुड बी इन दिस। ये लास्ट के जो कुछ दिन बाकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने आपको कट कर लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम यूजेस कट कर लीजिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखना, सब कुछ लगाना पड़ेगा। दीज फ्यू डेज आई गोना डिसाइड कि आपको नेक्स्ट 5 years कैसे होना है, और इवन क्या होने वाला है आफ्टर दैट ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, जितने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, मुझे पता है ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मे बी किसी कुछ लोग के लिए नॉर्मल होगा, कुछ लोग के लिए टफ होगा, कुछ के लिए ईजी होगा, बट ये ध्यान रखिए कि ये फॉलो करना है तो उसके लिए शायद आपको ये बोरिंग लगे, शायद आपको ये प्रॉब्लमेटिक लगे, थकान लगे, बट यू नो यू हैव टू गिव योर ऑल, बट ये होगा, बट आपको निकालना समय पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला आपके करने, आपका ये पार्ट है, ये आपकी स्टोरी बनेगी, ये किसी और की स्टोरी नहीं होने वाली है, दैट्स योर स्टोरी, योर पार्ट, ये होगा, चाहे आप मोटिवेशन वीडियो देखे, चाहे कुछ करे, बट यू हैव टू गिव योर ऑल, पूरा पूरा समय लगाइए इसके लिए। मुझे पता है आपकी शायद प्री बोर्ड चल रहे होंगे, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनका भी अपना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बट लेकिन मैं तो कहूँगा सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस करिए, ये बहुत फ़ायदा है आपके लिए कि आप क्लैट 20 दिसंबर में दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम से कोई क्लैशिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सब बराबर लेवल पे, वो बोर्ड एग्जाम की भी क्लैशिंग नहीं, सो लाइक गिव योर ऑल, मैं तो बोलूँगा बेस्ट विशेज आपको देना चाहूँगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। फॉलो दीज 5 strategies, 5 pointers, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है ना, आपका आराम से 20-30% स्कोर का जंपिंग हो सकती है, खाली पास चीज थी जंपिंग आती, मैं तो आपको इतना चीजें बता देंगी। सो प्लीज फॉलो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको अराइज होता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, दिस अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।